नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। हमें इसे विलोपन विधि से इन दो समीकरणों को हल करना है। हल करने का मतलब यह है कि हमें इन समीकरणों में से x और y का मान निकालना है। सबसे पहले बच्चों देखिए कि यह था 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमने इसको प्रॉपर वे में लिखा है 3x माइनस 5y, ये माइनस चार था, ये जीरो के उधर जाके हो गया प्लस चार। तो 3x माइनस 5y बराबर 4, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से इस समीकरण में देखें तो 9x बराबर 2y प्लस 7 था। यहाँ 2y जो है वो इक्वेशन के राइट साइड पे, नॉर्मली लेफ्ट पे होता है, तो हम इसको लेफ्ट पे ले आए। कैसे? 9x 2y बराबर के आगे प्लस का है, लेकिन जब ये बराबर का निशान करके इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये बन गया माइनस 2y बराबर। बराबर के बाद 7 लिखा है तो वो 7 ऐसे ही है। अब ये बन गई हमारी समीकरण नंबर दो। हमें समीकरण एक और समीकरण दो को मिलाना है और हमें देखना है इन दोनों में से एक्स या वाई किसका गुणांक एक दूसरे के पहाड़े में आता है, ताकि हम उन दोनों को बराबर कर सकें। देखिए वाई का गुणांक देखे तो यहाँ है 5 और वाई का गुणांक यहाँ देखे तो 2। ना तो 5 के पहाड़े में 2 आता है ना 2 के पहाड़े में 5 आता है। अब हम देखते हैं x के गुणांक। x का गुणांक है 3, x का गुणांक है 9। हमें पता है कि 3 को 3 से गुणा करके 9 बनेगा, तो इसका मतलब अगर मैं इस सारी समीकरण को 3 से गुणा कर दूं तो x के गुणांक बराबर आ जाएंगे। सिर्फ इसको गुणा नहीं कर सकता, इन सारी समीकरण को गुणा करना होगा। इस समीकरण का नाम था समीकरण एक, तो मैंने लिखा इक्वेशन एक को 3 से गुणा करने पर। ध्यान से देखेगा, 3x इसको 3 से गुना किया तो बन गया 9x, माइनस का माइनस। 5 को 3 से गुना किया तो बन गया, सॉरी, बन गया 15y बराबर। 4 को 3 से गुना किया तो बन गया 12। जो दूसरी इक्वेशन थी उसको ऐसे ही रहने दिया। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन यहाँ लिखी है, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये दो इक्वेशन होगी, इसको आप मत देखिए। इन दो इक्वेशंस को यदि नो एक्स नो एक्स, इनके साइन यदि अलग होते तो हम ये दोनों समीकरणों को प्लस करते, लेकिन इन दोनों के साइन सेम हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्लस है। अगर इस समीकरण को इस समीकरण से माइनस करना है तो ये सारे साइन बदल जाएंगे। ये प्लस था ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस था ये बन गया प्लस, ये प्लस है तो ये बन गया माइनस। अब नो एक्स में से नो एक्स माइनस हो गया, कट गया। यहाँ देखिए ये आ गया माइनस 15y प्लस 2y, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 माइनस किया 13y, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 15, उसके साथ निशान है माइनस का, तो 13 के साथ भी निशान आएगा माइनस का। बराबर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस किया 5, साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 12 बड़ा है। तो यहां से y हमारे पास आ गया माइनस 5, 13 इधर गुना हो रहा था उधर आके हो गया भाग, यही माइनस जो है वो 5 के साथ लग गया। ये हमारे पास y का मान आ गया है माइनस 5/13। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को या तो इक्वेशन एक में डाल दो या इक्वेशन दो में डाल दो। तो मैं इस मान को इक्वेशन एक में डालता हूं, y का मान इक्वेशन एक में रखने पर। अब इक्वेशन एक है 3 × x माइनस 5 × y गुना वाई, वाई की जगह लिख दो माइनस 5/13 बराबर आगे है 4। तो ये बन गया 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 5 25/13 बराबर 4। हम इसे हल करेंगे, 3x बराबर 4, 25/13 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 के नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1, 13 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 13, नीचे वाले से भाग करेंगे ऊपर वाले से गुना, 13 को 1 से भाग किया 13, 13 को ऊपर 4 से गुना कर दिया 13 × 52 माइनस, 13 को 13 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 25 से गुना करेंगे तो 25। तो ये देखिए 52 में से 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27/13। अगले स्टेप में x बराबर
ये है 27/13, 3 यहाँ x के साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये 3 जो है 27 के साथ कट सकता है, 3 9 27, तो यहाँ से आ गया 9/13। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 9/13। तो बच्चों देखिए, हमारे पास एक दो समीकरणें थी, दोनों को हमने विलोपन विधि से, विलोपन विधि इसको क्यों कहते हैं कि हमने यहां से x x वाली रकमों को काटकर यानी x को विलोप कर दिया, सिर्फ y बच गया, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहा जाता है। और ये y की वैल्यू आ गई, और उसके बाद y का मान हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया यानी कि प्रतिस्थापित किया, इसीलिए इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि भी कहा जाता है। और इस विधि के द्वारा आगे हल करके y हमें पता लग गया था, और उसी वैल्यू को हमने आगे यूज किया तो हमें x भी पता लग गया। तो इस समीकरण का हल हमने ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू ये हमने निकाल दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।